मऊ जनपद के पुरानी तहसील आरएस पैलेस में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में विशाल प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, मुख्य अतिथि माता प्रसाद पांडे तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सरकार विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक मनोज कुमार पांडे के नेतृत्व में भगवान परशुराम के जयकारों के साथ किया गया। इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी निवेदक राहुल दुबे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजू राय, पूर्व जिला अध्यक्ष धर्म प्रकाश यादव, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मिश्रा, पूर्व विधायक पूर्व मंत्री सनातन पांडे, सिविल कोर्ट अध्यक्ष विनोद कुमार पांडे, पूर्व विधायक उमेश पांडे ने माल्यार्पण कर ब्राह्मणों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में हजारों हजार समाजवादी कार्यकर्ता एकत्रित हुए। यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शाम 4:30 बजे तक चला। मुख्य अतिथि माता प्रसाद पांडे ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि संस्कृत खत्म हो रहा है, पूरे देश की संपत्ति बड़ी संख्या में उसी घराना में जा रही है। जो इस सत्र में 20 घरेलू संपत्ति के बड़े दावेदार हैं, बाकी लोगों की हालत चिंता की स्थिति में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमें भेद पैदा किया है उनसे छुटकारा पाने की जरूरत है। भाजपा ने राम के नाम पर देश को बांटने का काम किया है। न्यूज रिपोर्टर अनुराग सिंह। लेकिन मेरे बातों पर गौर करना। अगर सम्मान अखिलेश यादव की सरकार में मिलता है, अखिलेश यादव ने तो नहीं पूछा कि यादव की लड़की है या ब्राह्मण की लड़की है या भंगार की लड़की है या ठाकुर की लड़की है या मुसलमान की लड़की है। विद्याधन सबको मिला, लैपटॉप सबको मिला, बेरोजगारी भत्ता सबको मिला, एम्बुलेंस जाते समय जात नहीं पूछती थी, पुलिस जाते समय जात नहीं पूछती थी। और आज जातियों को राजनीति करने वाले आपके ऊपर जातवाद का भगवान कृष्ण के अवतार